नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं चीज जायसवाल आप सभी को अपने चैनल टारगेट स्पोर्ट्सपल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, सीएससी के माध्यम से एक मेल आया हुआ है। जैसे कि आप लोगों के पास मान लीजिए पुरानी IRCTC की एजेंट आईडी है और कहीं ना कहीं फिलहाल वह आईडी इसमें काम नहीं कर रहा है और आप लोगों के पास आपके मेल आईडी पे नई आईडी भेजी गई है और पासवर्ड के साथ, तो उस आईडी पासवर्ड को कैसे यूज करेंगे और उस आईडी पासवर्ड को EKYC आधार EKYC से कैसे जुड़ेंगे, ये जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा और उसके अलावा भी कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी चाहते हैं कुछ नया सीखना तो इस वीडियो को लास्ट तक का वाचिंग कीजिए और जो भी नए यूजर्स इस वीडियो को वाचिंग कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग और जान लेते लोग कैसे IRCTC की जो न्यू आईडी मिली है एजेंट आईडी, उसे कैसे हम लोग EKYC प्रक्रिया करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको जो पहले वाली आईडी मिली थी आप यहां से लॉगिन करते थे इस पोर्टल से, इस वेबसाइट से service.irctc.co.in से आप लोग लॉगिन करना पड़ता था, लेकिन अब जो नई आईडी मिलेगी आपको या फिर मिल चुकी है उस आईडी का प्रयोग आप इस वाले वेबसाइट से कर सकते हैं, जैसे कि irctc.co.in। इसमें कुछ लेटेस्ट फीचर्स भी मिलेंगे और दोस्तों, जैसे कि ये मेल आया हुआ है यहाँ पे, देखिए आज ही के डेट में मेरे पास मेल आया, नहीं सॉरी फ्रेंड, ये मेल मुझे 7 तारीख को आई है, आज 8 तारीख है, एक दिन पहले का मेल है ये और यहाँ पे 3 मेल आया है मेरे पास। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें पुरानी आईडी भी दी गई है और नई आईडी के साथ पासवर्ड भी दिया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे एक बात और आप लोगों को बता दूं मैं। दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये मेरी पुरानी आईडी है और यहाँ पे नई आईडी मुझे दी गई है क्योंकि आपको शो नहीं होगा, यहाँ पे पासवर्ड दिया गया है और यहाँ पे कुछ विस्तार रूप से बताया गया है जिसे आप लोग ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, आप लोग क्या करना होगा, ये जो ऑपरेटर IRCTC की जो वेबसाइट दिख रही है यहाँ पे आपको इसे ओपन करना है और इसी वेबसाइट के जरिए आपको EKYC की प्रक्रिया पूरी करनी है। और दोस्तों, आप लोगों को इसी वेबसाइट पर आना पड़ेगा, एजेंट इंटरफेस एप्लीकेशन ये वेबसाइट का लिंक है जो कि आपको मेल के माध्यम से मिला होगा। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको पहली बार यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी, दोस्तों यहाँ पे आपको पहली बार यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के आपको इस वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से EKYC की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग करके देख लेते हैं लोग। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस एजेंट इंटरफेस एप्लीकेशन की वेबसाइट में मैं लॉगिन हो गया हूँ। आप लोग यहाँ पे आना पड़ेगा अपडेट प्रोफाइल ऑफ सब एजेंट और यहाँ पे आधार बेस्ड EKYC का लिंक दिया गया, इस पर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट हो गया है, आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, वह ऑन टाइम पासवर्ड यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर दीजिएगा। यहाँ पे अंगूठे के निशान से EKYC नहीं करना है, वह फ्यूचर में हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आपको यहाँ के वह प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ से अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं चेंज कर सकते हैं। तो आप तत्काल यहाँ पे आके उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डाल के जैसे ही कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, आधार बेसिक जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल के आप इसे ओपन कर सकते हैं। और जो ये नई आईडी मिली है इसका लिंक आपको डिजिटल सेवा पोर्टल से लिंक कर दिया गया है, आपका जो भी अमाउंट कटेगा टिकट का चार्ज वो आपके डिजिटल सेवा वॉलेट से कट जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारियाँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और भी कोई नई समस्या आती हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।